करता हूँ, आप सब खैरियत से होंगे। आज एक डिफरेंट करवाचौथ साल आपके जो में हाजिर हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 2014 मॉडल टैब आपको वीवो चैप नज़र आ रहा होगा। बेसिकली ये 2008 मॉडल है और इसको हमने कन्वर्ट किया है 2014 मॉडल चैप में। जैसा कि आप देख सकते हैं, नहायत ही खूबसूरती के साथ इसके बोनट, फेंडर, इसकी हेडलाइट्स, ग्रिल और बम्पर बड़ी महारत के साथ इसकी फिटिंग की गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसको इस पे जो फेंडरों के और फेंडर भी हमने इसके चेंज किए हैं, फ्रंट बम्पर भी इसका चेंज किया है। और इस पर इसके साथ साथ आपको बता चलूँ, इस पर हमने स्नॉर्कल इंस्टॉल किया है। स्नॉर्कल इंस्टॉल करने के बाद इस पर हमने साइड मिरर इसके इंस्टॉल किए गए हैं। ये जो यूज साइड मिरर है, मेड इन जापान, यूज़ में मंगवाए गए हैं, ये वो इंस्टॉल किए गए हैं। और इसी तरह हम आपको, इसी तरह पीछे की बात की जाए तो आपको पीछे के साथ पीछे से बैकलाइट इसकी इंस्टॉल की गई है मेड इन थाईलैंड ओरिजिनल टोयोटा की। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसकी जो पुराना मॉडल था वो ये था, ये टोयोटा के डब्बे में पैकिंग आई है इसकी ओरिजिनल। ये 2006-07 वाली मॉडल की लाइटें लगी हुई हैं। ये भी स्मार्ट सारा जेन्युइन है। और अल्हम्दुलिल्लाह, हर मौके पे जो चीज़ कही जाती है, जो डन होती है वही लगती है। यहाँ पार्ट नंबर भी इसका वेरीफाई कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल थाईलैंड की टोयोटा की लाइट है। क्योंकि जब इसका बैक बम्पर है, जो भी मेड इन थाईलैंड का, इसका चेंज किया गया है। और इसी तरह साथ साथ इसके अंदर से जो सबसे बड़े की बात है, ये जो साइड मिरर हमने परचेज की है ना, उसमें ये एक एक्स्ट्रा शीशा भी इन्होंने, ये देखें, साइड देखने के लिए इन्होंने नीचे साइड, दोनों साइडें देखने के लिए दिया गया है। और इसके बाद आप देख रहे होंगे कि गाड़ी का कलर जो है वो आपको ब्लैक नज़र आ रहा है, ग्लोसी ब्लैक। बेसिक ये ऐसा नहीं है, ये इसका पेंट जो है ना, हमने इसको पेंट नहीं किया, इसको हमने रैप किया, पूरी गाड़ी को हमने इसको रैप किया, ग्लोसी ब्लैक है। इसका जो असल कलर है ना, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। इसका असल कलर जो आपको अभी वीडियो में नज़र आएगा कि इसका जो असल कलर किया है, आप देख सकते हैं, असल कलर इसका ये है, ठीक है। ये अनविंसिबल 2008 मॉडल मेड इन थाईलैंड का ये गाड़ी है। तो इसको हमने कन्वर्ट किया है बोल्ट ऑन, कोई इसमें ऑल्ट्रेशन नहीं है, कोई कटिंग नहीं है, बोल्ट ऑन सामान इसका सारा लगा है। और इसमें जैसा कि कस्टमर की डिमांड पे हमने मेड इन ताइवान की लाइट्स डाली गई हैं, प्रोजेक्टर लाइट्स में डली है, ठीक है जी। आप देख सकते हैं इसमें जो इसका बोनट का हुड है, ये भी हमने जनरल इंस्टॉल किया गया है। और इसी तरह अंदर की बात करें, अंदर से हमने क्या क्या चीज़ें चेंज की हैं, आए मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से हमने क्या क्या चेंज किया। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें हमने इसका मल्टीमीडिया स्टीयरिंग इंस्टॉल किया है। आप देख सकते हैं इसकी हर चीज़ वर्किंग में है, कोई किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं है, जैसे ओरिजिनल कंपनी इंस्टॉल करके भेजती है। और उसी तरह इसको इंस्टॉल किया गया, उसी तरह इसके कनेक्शन किए गए हैं। सबसे खूबसूरत चीज जो मुझे अच्छी लगी है, वो सबसे खूबसूरत चीज़ है इसका जो इसका जो वुडिंग स्टाइल है ना, वो ग्रे ब्लैक है, बड़ा ही नहायत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये 2008 मॉडल थाईलैंड मेड डाला है, इस पर मैनुअल आप देख सकते हैं, ये उन्होंने अपने लिए शिकार के लिए रखा हुआ है। और इसी तरह ये सीट पोशिश वगैरह भी इसकी, इसके सीट कवर भी इसके चढ़ाए गए हैं। इसमें एंड्रॉयड पैनल भी इंस्टॉल किया गया जी। अल्हम्दुलिल्लाह, हरम ऑटो के प्लेटफॉर्म पे आपको एक यूनिक चीज़ मिलेगी। सबसे अहम बात ये है कि हरम ऑटो के प्लेटफॉर्म पे झूठ नहीं बोला जाता, जो चीज़ जेन्युइन है वो जेन्युइन बताई जाती है, कस्टमर को भी और आप लोगों को, अपने व्यूअर्स को भी। ये मेड इन ताइवान है, ये सारा पार्ट हमने जेन्युइन इंस्टॉल किया है, ये मेड इन चाइना है। इसमें हमने ये स्नॉर्कल जो है वो हमने चाइना का इंस्टॉल किया है। और मैं समझता हूँ कि इस कस्टमर के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो चीज़ आप इंस्टॉल कर रहे हैं वो उसको बतानी चाहिए। हालांकि ये कस्टमर सरगोधा से बिलोंग करते हैं और इस टाइम वो अमेरिका में अपना कारोबार करते हैं, उन्होंने नेट से मेरा नंबर लिया, मेरा काम देखा और उसने उन्होंने उन पर इंटरेस्ट किया, तो अपनी गाड़ी उन्होंने अपने ड्राइवर के हाथ भिजवाई है। तो इंशाल्लाह ताला कस्टमर की उन्होंने आना है पाकिस्तान, तो इंशाल्लाह आप तो कोशिश करके कस्टमर का रिव्यू दे सकेंगे कि उनको हमारा काम पसंद आया कि नहीं आया। इंशाल्लाह इसी तरह ही आपके लिए यूनिक से यूनिक कन्वर्जन लेके आप जितना ज़्यादा होते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।